रानीताल सर्वोदय नगर बस्ती की सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और स्थानीय पुरुषों ने बस्ती की देशी शराब दुकान को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शराब दुकान के विरोध में पैदल मार्च निकाला और प्रशासन से शराब दुकान को बंद कराए जाने आवाज बुलंद की। रानीताल सर्वोदय नगर बस्ती की देशी शराब दुकान के विरोध में बस्ती की महिलाओं, बच्चों और स्थानीय बस्ती वासियों ने पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। महिलाओं और बस्ती वासियों ने प्रशासन से शराब दुकान बंद करने की मांग की। स्थानीय महिलाओं और बस्ती वासियों ने से बस्ती का माहौल बिगड़ रहा है, युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। यहाँ तक कि बस्ती के सैकड़ों लोगों की शराब की लत के कारण जान जा चुकी है। बस्ती वासी पिछले कई माहों से शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर अब भी शासन प्रशासन ने शराब दुकान हटाने का निर्णय नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मोहल्ले के अंदर कलारी कुलाने के कारण से हमारे नौजवान बच्चे, कई बच्चों लोग के साथ अनर्थ हो रहे, कई बच्चे विवादित, कई महिला नौजवान महिला विधवा हो रहे। इस प्रकार से हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया। हम लोग का मजबूरी कोई अधिकारी नहीं समझ रहे, कलारी हटाना नहीं चाह रहे। कलेक्टर महोदय जी को भी हम लोग अनेक बार पत्र दिया था, कोई नज़रअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री जी का आर्डर भी है, उसके बाद भी कोई आगे आके अधिकारी हटाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग मजबूर होकर ये आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ, जो हमारे कॉलोनी में जो शराब की दुकान के उसके वजह से बहुत से जवानों की मौत हो चुकी है, उनके परिवार बिखर चुके हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि वो शराब की दुकान अलग कर दिया जाए। हम पहले प्रार्थना कर रहे हैं, आगे उग्र काम होने के पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो कलारी को दूर करके हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारी बच्चों की मौत हो रही है, मैं उनकी और ध्यान दिलाना चाहती हूँ। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी शराब के आदि हो रहे हैं और कई कई लोगों की मौत जो है वो शराब के पीने की वजह से हो गया, तो इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक आंदोलन किया था जिसमें ये सामने आया है कि जबलपुर शहर के 5 शराब की दुकान हटेंगे, जैसा कि न्यूज़पेपरों के माध्यम से। लेकिन वो 5 शराब की दुकानों में सर्वोदय नगर की दुकान है या नहीं है ये हम लोग को क्लियर पता नहीं है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस कलारी को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। दरअसल बस्ती में गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। बस्ती के अंदर देशी शराब दुकान होने से क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही शराबियों का जमघट लगने से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।